नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोज़गार विद हर्ष में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और नई सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन के बारे में। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल तथा फीमेल दोनों ही दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों भर्ती हो रही है जूनियर असिस्टेंट की एंड अदर पोस्ट की। और दोस्तों यदि आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आज की डेट से दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती का लोकेशन क्या है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस आगे बढ़ेंगे। बेसिकली दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं NIT की भर्ती के बारे में। ये दोस्तों भारत सरकार का संस्थान है दोस्तों, यानी कि आज की भर्ती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। आज की भर्ती में सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको एज़ पर रूल सैलरी दी जाएगी, बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलेगी। आज की भर्ती में दोस्तों जहाँ तक आयु सीमा की बात है, एज लिमिट की बात है, तो इस भर्ती के लिए आयु सीमा है 27 साल, 30 साल तथा 33 साल तक आयु वाले कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों आज की भर्ती में फीस के बारे में बात करें तो UR OBC तथा EEE के लिए इसमें ₹500 फीस है। SC ST PWD तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। फीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से करना पड़ेगा। दोस्तों आज की भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें आपका एग्जाम तथा स्किल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड की बात करें तो इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। दोस्तों जहाँ तक इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए डेट्स की बात है तो इस भर्ती के लिए दोस्तों ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 25 मार्च 2024, यानी कि बहुत ही जल्दी आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती हो रही है। तो गाइज इसमें भर्ती हो रही है ऑफिस अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट की, सुपरिंटेंडेंट की, टेक्नीशियन की, सीनियर टेक्नीशियन की एंड अदर पोस्ट की। दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो कैंडिडेट 12वीं पास हैं वे अप्लाई कर पाएंगे ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए तथा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। और जो कैंडिडेट 12th साइंस पास हैं वो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 12th साइंस में आपकी 60% मार्क्स हैं तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, उन्होंने ITI भी कर रखा है, वो भी दोस्तों टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों अन्य पदों के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, और आपकी क्वालिफिकेशन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। आपको दोस्तों मैं भर्ती की नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, इसका लिंक दोस्तों मैंने दे रखा है। तो चलिए अब बात करेंगे आज की भर्ती के लोकेशन के बारे में। तो आज की भर्ती का लोकेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुदुचेरी। इंडिया के सभी राज्यों से दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे।